नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एनकेजे क्रिएशंस पर आपका स्वागत है। सेहत से जुड़ी बहुत काम की बातें और घरेलू उपाय। नंबर एक, यदि सांस लेते वक्त दर्द महसूस हो तो यह पीत की पथरी होने की निशानी है। नंबर दो, भीगे हुए बादाम रोजाना खाएं, इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है। नंबर तीन, जिनका हाजमा ठीक नहीं रहता हो उनको 15 दिन तक लगातार गन्ने का जूस पीना चाहिए। नंबर चार, अगर चेहरे पर बुढ़ापा जल्दी नजर आने लगे तो दूध में छुहाड़े उबाल कर पिए। नंबर पाँच, आलू का छिलका आपकी स्किन पर ब्लीच का काम करता है, इसे लगाने से आपकी काली पड़ी स्किन का रंग साफ होने लगता है। नंबर छः, अगर आपके आँखों से पानी निकलना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है आपकी नज़र कमजोर होने लगी है। नंबर सात, इमली और आलू बुखारी का पानी इस्तेमाल करें, इससे आपके चेहरे से कील मुहासे साफ हो जाएंगे और शरीर की चर्बी भी पिघलेगी। नंबर आठ, टमाटर का सूप पीने से वजन कम होता है और यह आँखों और त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। नंबर नौ, बैठे बैठे आँखों से पानी निकलता हो तो पानी की कुल्लिया करें और गुलाब का रस भी लगाएं। नंबर दस, नाक में अगर कुछ फंस जाए तो तंबाकू सूंघना चाहिए, इससे छींके आती हैं और फंसी हुई चीज बाहर निकल जाती है। नंबर ग्यारह, बच्चों को खाली पेट दही खिलाने से उनका दिमाग तेज होता है और खून की कमी भी नहीं होती है। नंबर बारह, अगर किसी को जिगर की दिक्कत हो तो सेब खा लिया करें। नंबर तेरह, नहाने के बाद कान में सरसों के तेल से भीगी हुई रुई जरूर डालें, वरना धीरे धीरे सुनने की ताकत कम हो जाती है। नंबर चौदह, पानी कम पीने से होठ काले हो जाते हैं। नंबर पंद्रह, अगर हिचकियाँ आना शुरू हो जाए तो पुदीने के पत्ते चबाएं, फौरन हिचकियाँ बंद हो जाती है। नंबर सोलह, अदरक का छोटा सा टुकड़ा रोजाना चबा लेने से गर्मी में पसीना नहीं आएगा। नंबर सत्रह, खाना खाने के फौरन बाद पानी पीने से आपका रंग सांवला हो सकता है। नंबर अठारह, अगर आपका जिस्म ज़्यादातर ठंडा रहने लगे तो जान लें कि खून की कमी है। नंबर उन्नीस, दालचीनी का इस्तेमाल करने से वजन कम होता है। नंबर बीस, कोई भी खट्टी चीज खाकर ऊपर से पानी पीने से पेट में सूजन हो सकती है। नंबर 21, चक्कर आने लगे तो काला नमक वाला पानी पी लिया करें, इससे चक्कर आना रुक जाएगा। नंबर 22, पुदीने का रस पीने से हैजा खत्म हो जाता है। नंबर 23, पानी पीने से शरीर में कई तरह की बीमारियां नहीं होती हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। नंबर 24, खाना खाने के तुरंत बाद चाय का सेवन ना करें, यह आपके खाने को अच्छे से पचने नहीं देती है। नंबर 25, कड़वी चीजों के इस्तेमाल से सेहत अच्छी रहती है और ज़्यादा मीठी चीज खाने से परहेज करें। नंबर 26, मछली का तेल लगाने से नज़र तेज होती है। नंबर 27, हरा टमाटर खाएं, पीठों का दर्द दूर हो जाता है। नंबर 28, कच्चे अनार का जूस पिए, चर्बी कम हो जाएगी। नंबर 29, रोजाना आड़ू का सेवन करने से पेट की चर्बी कम होना शुरू हो जाती है, और अगर आपको पेट की चर्बी तेजी से कम करनी है तो रोजाना एक्सरसाइज जरूर करें और रात को नाभि में सरसों का तेल डालकर सोया करें। नंबर 30, अगर शरीर से पसीने की बदबू आती हो तो गुलाब का रस पानी में मिलाकर नहाएं, इससे बदबू खत्म हो जाएगी। नंबर 31, कड़वी चीज़ों के इस्तेमाल से सेहत अच्छी रहती है और ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से परहेज किया करें। नंबर 32, पैदल तेज रफ्तार से चलने से गैस की प्रॉब्लम में कमी आती है और गैस की दिक्कत खत्म हो जाती है। नंबर 33, पपीता खाने से कब्ज की प्रॉब्लम दूर होती है और यह शरीर के वजन को भी कम करता है। नंबर 34, जिन लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम हो वो कभी भी लस्सी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लस्सी पीने से एलर्जी और बढ़ सकती है। नंबर 35, ठंडे दूध की जगह गर्म दूध पिएं, गर्म दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं।
नंबर 36। अगर छोटा बच्चा रात को नहीं सोता है तो उसे सहर चटाएं, नंबर 37। अगर शरीर से पसीने की बदबू आती है तो गुलाब का अर्क पानी में मिलाकर नहाएं, नंबर 38। अगर हड्डियों में कमजोरी महसूस होती है तो सोयाबीन खाएं, सोयाबीन के सेवन से हड्डियां मजबूत होती हैं, नंबर 39। मोटापा बढ़ रहा हो और पेट लटक रहा हो तो नाभि में तेल लगाएं, कुछ ही दिनों में आराम मिलने लगेगा, नंबर 40। शहद के अलावा हर मीठी चीज़ नुकसान करती है, नंबर 41। घमौरियों से बचने के लिए नहाते समय नीम का पानी या नीम के साबुन का इस्तेमाल करें और रोज़ाना सुबह शाम नींबू पानी पिए, इससे घमौरियाँ नहीं निकलती हैं, नंबर 42। रोज़ाना 10 से 15 मिनट पैदल सैर करने से डिप्रेशन दूर हो जाता है, नंबर 43। जो औरतें अपने सिर पर कद्दू का उबला हुआ पानी लगाती हैं तो उनके बाल तेजी से बढ़ते हैं और बाल जल्दी सफ़ेद भी नहीं होते हैं, नंबर 44। जो लोग खाना तेजी से खाते हैं उनको दिल की बीमारी हो सकती है और खाना जल्दी हजम भी नहीं होता है, जो मोटापे का कारण बनता है, नंबर 45। जो औरतें ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर बैठी रहती हैं उनका दिमाग कमज़ोर पड़ने लगता है, नंबर 46। जीरा खाने से जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है और साथ ही बदहजमी भी दूर हो जाती है, नंबर 47। सुबह खाली पेट ठंडा पानी नहीं पिए, यह शरीर को नुकसान पहुंचाता है, नंबर 48। खाना खाने के बाद एक लौंग खा लेने से तेजाबियत की दिक्कत नहीं होती है, नंबर 49। हफ्ते में 2 बार इलायची खा लेने से सांस की बीमारी दूर रहती है, नंबर 50। मेथी दाने को भिगोकर इस्तेमाल करने से शुगर धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाती है, नंबर 51। ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल मत करें, इससे गले का इन्फेक्शन हो जाएगा, नंबर 52। यदि आपका शरीर दुबला पतला है तो नारियल का सेवन करें, इससे वजन बढ़ता है, नंबर 53। खाना खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन पानी के साथ खाएं, मोटापा दूर हो जाएगा, नंबर 54। अगर सांस की तकलीफ की प्रॉब्लम हो तो एक हरी मिर्च खा लें, इससे आराम मिलेगा, नंबर 55। आम का अचार खाने के बाद पानी मत पिए, इससे आपको नज़ला जुकाम हो सकता है, नंबर 56। उबले हुए चावलों को फ्रिज में रख कर कई दिनों तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे मैदा खराब हो सकता है और आपको डायरिया भी हो सकता है, नंबर 57। साइकिल चलाने वाला व्यक्ति जल्दी बूढ़ा नहीं होता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।